Hello, my future doctors. So today I am going to tell you about the female reproductive system. It is very important as well as a very interesting topic. तो start करते हैं structure से. बहुत basic से start करती हूँ मैं. अगर आपसे पूछूँ कि gametes के type बता दो आप, तो आप बोलोगे कि मैम there are two types of gamete called. Males में क्या होता है? Males में हो गया sperm and female में हो गया ova. Okay. नाउ ओवरी से ओवा निकलता है, ये भी आपको पता है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने ओवरी प्रेजेंट होते हैं? एक राइट और एक लेफ्ट, टू ओवरी प्रेजेंट होते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोग नंबर और पेयर नहीं देखते हो. अगर नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ओवरी पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे टू. अगर वो पेयर ऑफ ओवरी पूछेगा, पेयर ऑफ ओवरी पूछता है, तो आप बोलोगे वन. राइट, नंबर ऑफ ओवरी टू एंड पेयर ऑफ ओवरी वन. बहुत बेसिक चीज थी, आपको पता होनी चाहिए. नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी जान लो. स्टार्ट करते हैं अब स्ट्रक्चर हम फेलोपियन ट्यूब से. बेटा फेलोपियन ट्यूब के कितने स्ट्रक्चर, जो सॉरी फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं आपको ये भी पता होगा. फेलोपियन ट्यूब के पार्ट बोलिए. सबसे पहले आता है इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम मैं जितना बता रही हूँ बस आपको उतना ही याद करना है, वही बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए देखिए, इनफंडिबुलम कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये, दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम. अब इनफंडिबुलम में आप कितना याद रखोगे, इसका शेप याद रखोगे. क्या है शेप? फनल शेप. कैसे याद रखोगे? इनफंडिबुलम में फन आ रहा है ना, और फनल शेप में भी फन आ रहा है, अभी कभी याद हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का, वो आता है ये वाला. ये वाइडर पार्ट जो आप देखते हो, इसको बोलते हैं एम्प्यूला. और नैरो पार्ट जो आप देखते हो, इसको हम बोलते हैं इस्थमस. इसमें क्या याद रखना है कि वाइडर पार्ट क्या है फेलोपियन ट्यूब का, तो आप बोलोगे एम्प्यूला. अगर वो पूछ ले नैरो पार्ट क्या है फेलोपियन ट्यूब का, तो आप बोलोगे इस्थमस. राइट, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब. सो फर्स्ट वन इज इनफंडिबुलम, सेकेंड वन इज एम्प्यूला. सीरीज से याद रखो, सिक्वेंस से याद रखो, तो दैट विल वेरी हेल्पफुल. थर्ड पार्ट जो है हो जाएगा इस्थमस. ओके, आपने क्या याद रखा है? इनफंडिबुलम में फनल शेप, एम्पुला वाइडर पार्ट, और इस्थमस नैरो पार्ट. तो ये तो हमारे पास हो गए, ये तो हमारे पास क्या हो गए हैं, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट. अब यहां पर जो मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा फिम्ब्रे. ऑल दो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे रहता है कि ये फिम्ब्रे है और यहां पर ओवरी होगा, तो इसको ऐसे होल्ड करके रखता है. बट आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, सो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है. अब आप देखो, ओवरी जो है कनेक्टेड होते हैं लिगामेंट से, जिनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट. आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है प्रॉपरली, आप चेक कर सकते हो. फिम्ब्रे का काम याद रखोगे, देखो एफ फॉर फिम्ब्रे एंड एफ फॉर फिंगर. सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको ये याद रहेगा. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसको क्या बोल दिया है हमने? फिम्ब्रे. स्ट्रक्चर के साथ उसका फंक्शन भी आप अभी के अभी याद करते हुए चल रहे हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनफंडिबुलम, फनल शेप, एम्पुला वाइडर एंड नैरो इस्थमस. ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, फिम्ब्रे हो गया. फिम्ब्रे का काम क्या है बेटा? फिम्ब्रे ओवरी को होल्ड करके रखता है. सो ऑब्वियसली क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओवुलेशन. बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक होकर चलो, कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओवुलेशन. ये पार्ट हो गया आपका, फिम्ब्रे का बात हो गया. नाउ आगे बढ़ते ही ये जो आपको डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डोम शेप से आपको मुझे पता है क्या याद आता है, डायफ्राम याद आता होगा. बट यहाँ पे डायफ्राम की बात नहीं हो रही है. ये जो है ऐसे कुछ इस तरीके से आएगा. ये जो डोम शेप आप देखते हो, इसको बोलते हैं फंडस. क्या बोलते हैं इसको? फंडस. फंडस इसका पार्ट नहीं है, ना यूट्रस का पार्ट है, ना ही फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है. प्लीज इसको किसी से अटैच ना करें, और फिम्ब्रे को भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ना ऐड करें. फेलोपियन ट्यूब में सिर्फ इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम आएगा. फिम्ब्रे इज नॉट द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखना बेटा, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं.
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं एग्जाम में कि अगर ओविडक्ट पूछ ले तो ये क्या पूछ लिया है, फेलोपियन ट्यूब बोल दो तो भी वही बात है और ओविडक्ट बोल दो के तो भी सेम चीज है। ओविडक्ट इसका लेंथ अगर पूछ ले तो आप बोल दोगे क्या 10 to 12 सेंटीमीटर। अब याद करो आपने 10 to 12 सेंटीमीटर और कहाँ पढ़ा हुआ है और किस चीज का पढ़ा है, लास्ट में मैं बताती हूँ आपको। लेंथ हो गया इसका। नाउ अब हम बात करेंगे यूट्रस की, जहां पर बेबी का फॉर्मेशन होता है। सो यूट्रस में आप क्या याद रखोगे, ये जो लेयर है ना, ये लाइनिंग जो दिख रही है आपको, ये होती है तीन। यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थ्री लाइनिंग है। यूट्रस जो सबसे आउटर होती है, आउटर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, अब पी से पेरीमेट्रियम और पी फॉर प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यूट्रस को। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर क्या होगी, एंड इनर लेयर। मिडिल लेयर हो जाएगी मायोमेट्रियम। देखो एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोमेट्रियम। कभी भी ऐसे सीक्वेंस में आता है तो आप एक ही सीक्वेंस याद किया करो, या तो आउटर टू इनर याद करो या फिर इनर टू आउटर, दोनों साइड से याद करने के कोई मतलब नहीं बनता। इनर है, एंड में आ रही है तो फिर एंडोमेट्रियम, इजी, एंडोमेट्रियम। मिडिल है तो मायोमेट्रियम, इनर है तो एंडोमेट्रियम। अब इजी हो गया आपके लिए, देखिए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का क्या काम होता है बेटा, चाइल्ड बर्थ में ये इसका मेजर रोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्पफुल होता है। इनर लेयर जो है एंडोमेट्रियम, ये मेंस्ट्रुअल साइक्लिकल चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है ना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो जो इनर लेयर है, इनर लेयर है जो सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, ओके दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, दिस एंडोमेट्रियम। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो जो ब्लीडिंग रहता है वो ब्लड कहां से, कौन सी लेयर टर्न ऑफ होती है, तो वो आप याद रखोगे क्या होगा, एंडोमेट्रियम, और बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम, और आउटर लेयर पेरीमेट्रियम। आई होप आपको इतना याद रहेगा। तो हमने क्या देख लिया बेटा, हमने यूट्रस भी देख लिया और हमने फेलोपियन ट्यूब भी देख लिया। नीचे अगर इसमें इधर पे बात करते हैं इस पोर्शन में, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्या, वजाइना। इसको हमने बोला वजाइना। नाउ ये जो कैनाल आप देखते हो, ये वाला जो कैनाल है जहां से स्पर्म की एंट्री हो रही है, इसको हमने क्या बोल दिया है, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्विक्स, इजी, सर्विक्स। अच्छा अगर मैं आपसे पूछती हूं कि बर्थ कैनाल किससे मिलके बनता है, कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जिनसे मिलके बर्थ कैनाल बनता है, तो आप ये याद रखोगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, बर्थ कैनाल किससे मिलके बनता है, तो आप बोलोगे सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थ कैनाल किससे मिलके बनेगा बेटा, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना। अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सर्वाइकल कैनाल की जगह सर्विक्स कर देते हो, वजाइना की जगह वजाइनल कैनाल कर देते हो, तो इसको आप याद रखोगे, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, जहां से बेबी का, जहां से बेबी डिलीवर होता है। ओके एंडोमेट्रियम और ये यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया, आपका फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ये जो स्ट्रक्चर है यहां से हमने जो देखा, वजाइना, सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स देखा है, तो बेटा ये इधर से ही क्या होगा, स्पर्म की एंट्री हो रही है, ठीक है, यहां से स्पर्म की एंट्री हो रही है, और ये जो है ओवरी से, ये रही ओवरी, और उसी टाइम पर यहां से ओवा निकल रहा है, और ओवा इधर पर एम्पुला रीजन में आ गया, मान लो एम्पुला रीजन में आ गया। आपको ये पता होगा ना कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है बेटा, एम्पुला में होता है, कहां पर, एम्पुला में। और अगर मैं पूछूं आपसे इम्प्लांटेशन कहां पर होता है, इम्प्लांटेशन,
अगर मैं इम्प्लांटेशन की बात पूछती हूँ तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूट्रस में, और यूट्रस में भी पर्टिकुलर कहाँ पर? एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाली जो लेयर है ना, ये एंडोमेट्रियम, यहां से एग आ रहा था और यहां से स्पर्म आ रहा था, और बेबी का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं पर ही होता है, बेबी का फॉर्मेशन जो है वो यहीं पर होता है। और साथ में यहां पर एंडोमेट्रियम में, यानी कि एंडोमेट्रियम में जो अटैचमेंट है वो किसका अटैचमेंट हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का। याद रखो बेटा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट हो जाता है एंडोमेट्रियम से, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और एम्बेडेड का मतलब क्या होता है भाई? अब मान लो ये ओवा है, ठीक है, और ये आते 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 यहाँ पर एम्बेडेड हो गया, मतलब अब ये यहीं पर ही ग्रो होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ये यहीं पर ही रहेगा, राइट? सो एंडोमेट्रियम में होगा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब होता क्या है, आगे देखिए, यहां से ओवा आ रहा है, हमने बताया आपको फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुला में होता है। अब यहां पर ओवा आ गया, यहां से स्पर्म आ गया, और इसी टाइम पे मान लो कॉपुलेशन हो गया, यानी कि इंटरकोर्स हो रहा है, कॉपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो इंटरकोर्स इसी टाइम पे हो गया मान लो, ठीक है। तो ये एम्पुला से जो, सॉरी, एम्पुला में जो एग है और जो स्पर्म आ रहा है, इनका फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा, तभी आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहां पर लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, टू द एम्पुलरी रीजन, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ओवा आके यहां बैठ गया और स्पर्म आया ही नहीं, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो आई होप आपको इस लाइन का भी मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एम्पुला में होगा ये एग, और इधर वजाइना से आ जाएगा स्पर्म, और एक साथ आएगा तभी फ्यूजन हो पाएगा। आपको मालूम ही होगा ना, ये तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ फीमेल एग, यानी कि ओवा एंड द स्पर्म, टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म प्लस ओवा, इनका जब फ्यूजन होता है तो क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। चलिए अब एक बार हम रिवाइज करेंगे, आप लोग आंसर दोगे। फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, आंसर बताओ फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? याद करो, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुला में होता है। पहले जो आपका एनसीईआरटी था उसमें एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन लिखा था बेटा, फिर अभी वो हटा के सिर्फ एम्पुला कर दिया गया, तो आपके लिए इजी हो गया ना। इम्प्लांटेशन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? यूट्रस में होता है, लेकिन यूट्रस में कहां पर? एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम। नाउ अगर मैं पूछूं आपसे बर्थ कैनाल किससे मिलके बनता है, कौन से दो स्ट्रक्चर से? याद करो, बर्थ कैनाल किससे मिलके बनेगा? ओके, वेरी गुड, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, वेरी गुड। क्लोजेस्ट पार्ट टू द ओवरी, हाँ ये आप बताओ, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओवरी के सबसे क्लोज कौन सा पार्ट होता है? मैं आपको बताती हूँ, क्लोजेस्ट पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का होगा, ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब का ही होगा। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवरी के सबसे करीब होता है? यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, इन तीनों में से सबसे क्लोजेस्ट कौन होता है? अब ये नहीं आपको स्ट्रक्चर के जरिए नहीं देखना कि हाँ ये भी तो पास है मैम, ये भी तो पास है, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लोजेस्ट पार्ट टू द ओवरी कौन है? इनफंडिबुलम, इनफंडिब्यूलम। एंड शेप ऑफ यूट्रस, शेप ऑफ यूट्रस कैसा होता है? आपने वो पियर खाया हुआ है, अब देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, अभी इसको उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये शेप जो अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे इन्वर्टेड पेयर शेप, इन्वर्टेड पेयर शेप, इन्वर्टेड पेयर, ठीक है। तो शेप आप याद रखोगे इन्वर्टेड पेयर, इन्वर्टेड पेयर शेप, उल्टा नाशपाती, है ना। देखो यहां पर स्ट्रक्चर सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ऐसा है, ये यहां पर ऐसा है स्ट्रक्चर, इसको उल्टा कर दिया और देखो ये भी कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, इसी को रिजेंबल कर रहा है। ओके, लास्ट है पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। चलिए बताइए, तीन पार्ट हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने?
सीक्वेंस में याद रखिए, क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। चलिए बताइए, वाइडर पार्ट कौन है फेलोपियन ट्यूब का? एम्पुला। और नैरो पार्ट? इस्थमस। फनल शेप? इनफंडिबुलम। क्लोजेस्ट पार्ट टू द ओवरी? इनफंडिबुलम। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप, जहां पे भी आपके सेल्फ नोट्स बन रहे हैं वहां पर बनाइए। फिर अगर आपको नहीं यकीन होता है तो देखिए, इस साल जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया था, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है। अभी आपने देखा भाई, एम्पुला भी होता है, इस्थमस भी होता है, इनफंडिबुलम भी होता है। मैंने आपको बोला था कि जो फंडस है वो ना तो यूट्रस का पार्ट है और क्या बोलते हैं, ना ही आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो आप जो है ये फंडस को करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो आंसर हो जाएगा आपका यूटेरिन फंडस। ओके, ये आपके इसी साल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, वेट अ मिनट, राइट। इन्वर्टेड पेयर शेप भी हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो देखिए, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देयर इज नो नीड टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है अपना नीट का, और जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जितना मैं बता रही हूँ आप उतना पढ़ो, अगर आपको इतना ईजी लगने लग रहा है तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी।